बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है पीटीए की तरफ से। पीटीए की तरफ से बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ आ रही है और वो बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो गई हुई है पाकिस्तान में। सिर्फ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कोरोना वायरस की वजह से जो पीटीए ने जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का जो इम्पोर्ट होते हैं बाहर से, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है और जो है वो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पीटीए ने जिन लोगों ने बाहर से इम्पोर्ट किए हैं सेट और जो लेके भी आए हैं अपने प्यारों के लिए और वो अभी तक उन्होंने ऑन किया सेट और कईयों के बैन हो गए हैं और कईयों के बैन नहीं हुए, अभी होने हैं तो ब्लॉक होने हैं, इसका मतलब यानी कि ब्लॉक होने हैं, तो वो उनको पीटीए ने कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, पूरे पाकिस्तान की वजह से उन्होंने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। यानी कि जिनके बैन हुए हैं और जिनके बैन होने वाले हैं उनको लिए, हमके लिए खुशखबरी है कि जो पीटीए है उन्होंने अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। उन्होंने कहा है कि आपको एक मंथ का आपको टाइम पीरियड और दे दिया, यानी 30 डेज़ मज़ीद जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद जो है ना 30 डेज़ आपके और एक्सटेंड हो जाएंगे, तो आप 30 डेज़ के अंदर अपना बआसानी को जो भी मोबाइल है अपना जो है उसका टैक्स आराम से आप पे कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, जिनके बैन हुए हैं और जिनके बैन होने वाले हैं। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जिनके बैन हुए हुए थे वो बेचारे परेशान थे कि किस तरह हम इसको अब दोबारा कर सकते हैं, तो वो जिनके बैन हो गए हैं और जिनके ना वो टैक्स का वो उन्होंने बढ़ा दिया है, तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए सबको। तो पीटीए से तो मुझे और भी उम्मीद है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान के अल्लाह करे हालात ऐसे ख़राब ना हो, मगर पीटीए को चाहिए कि वो ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है इसको देखते हुए पीटीए जो है वो टैक्स जो है ना वो उसको बिल्कुल वेव ऑफ कर दे टैक्स। तो वो पाकिस्तानियों के लिए जितने भी इम्पोर्टर्स हैं और जिन्होंने इम्पोर्ट किए हैं सेट और जितना भी उनको बिजनेस वगैरह जिनका है और जिन्होंने बाहर से मंगवाए हैं हमें सेट, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। उससे ये होगा कि उनकी चलो इकॉनमी जो उनके घर की जो इकॉनमी है, जो अपने घर को चला रहे हैं सब बिजनेस मैन वगैरह जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं पीटीए से बिल्कुल पूरी उम्मीद रखता हूँ कि शायद इंशाल्लाह ताला वो आने वाले दिनों में शायद ये भी ऐलान करें, मगर अभी ये ऐलान नहीं है, अभी सिर्फ ये ऐलान हुआ है कि सिर्फ जो बैन हो गए हैं और जो बैन होने वाले हैं सेट उनको 30 डेज़ का एक्सटेंड टाइम मिल गया है, तो आप अपना फटाफट जो है वो जमा कराएं टैक्स और अपने मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक ये लॉकडाउन है, तो उसके लिए लॉकडाउन के बाद आपकी ये डेट एक्सटेंड होगी और आप इसको बआसानी जो है ना वो आप अपना टैक्स पे करके आप अपना मोबाइल फ़ोन को बैन हुआ हुआ है और जो बैन होने वाले हैं उन दोनों को आप अपना यूज़ में ला सकते हैं बआसानी। तो ये जो लोगों में टेंशन थी, तो ये भी पीटीए ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया, तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे पीटीए से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद है कि ये जो हमारे जो मिनिस्टर हैं हमाद अज़हर जो हमारे मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनसे उम्मीद है कि वो इस चीज़ का भी ज़रा सोचेंगे कि इस दफ़ा जो है ना वो टैक्स को ज़रा रिलीफ दे दें हमें पाकिस्तानी अवाम को, ताकि वो जितने भी बिजनेस मैन हैं जिनका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है या बिल्कुल रुका हुआ है ये कोरोना वायरस की वजह से, तो वो चलें उनके लिए ईजी हो जाएगा, थोड़ा उनको लिए एक सपोर्ट हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें सोचना चाहिए। तो सोचेगी इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आगे अच्छा होगा, और आप अपने मोबाइल से जो बैन है जो बैन नहीं हुए उनको फ़ोन से आप इसको आफ्टर ये लॉकडाउन जब ख़त्म होता है तो आप इसको आराम से टैक्स पे करके यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको एक न्यूज़ देनी थी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एंड तक वीडियो देखें, और मेरे चैनल न्यू अराइवल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।